राशन की कालाबाजारी को रोकने के लिए जिला कांग्रेस कमेटी जन समस्या निस्तारण प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष शाकिर अली रायनी की अध्यक्षता में जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन कर जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री को दिए गए 2 सूत्रीय ज्ञापन में कहा गया कि राशन की कालाबाजारी चरम सीमा पर है। आवंटन किसी और व्यक्ति के नाम है और उसका संचालन कोई और व्यक्ति कर रहा है जो कि नियम विरुद्ध है। एक व्यक्ति 4-4 दुकानें चला रहा है। इससे पहले भी जनहित में कई शिकायतें की गई हैं, परंतु कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई। राशन डीलरों का कहना है कि हम मोटी रकम कोटा उठाने से पहले देते हैं, एआरओ के माध्यम से हमारा पैसा जाता है। ये राशन डीलर का कहना है। एआरओ पूर्वी पश्चिम ने यहाँ का चार्ज संभाला है। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया है कि जब से एआरओ ने जिला पूर्ति विभाग का चार्ज संभाला है, उन्होंने अपने दफ्तर को भ्रष्टाचार का अड्डा बना लिया। दूर दराज से जनता आती है और परेशान होकर चली जाती है। अगर जानकारी लेना चाहती है तो उनको जानकारी नहीं मिलती तथा जनता के साथ अपशब्दों का प्रयोग किया जाता है। विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ कि एआरओ की कार्यप्रणाली सही नहीं है। इसने अपने दलाल भी दफ्तर में बैठा रखे हैं। पता चला है कि राशन कार्ड जारी करने के नाम पर और यूनिट बढ़ाने के नाम पर दलालों के माध्यम से मोटी घूस ली जाती है। प्रदर्शनकारियों ने यह भी आरोप लगाया है कि एआरओ ये भी कहते हैं कि राशन कार्ड जारी कराना है तो मेरे आदमी बाहर बैठे हैं, उनसे मिल लो, जबकि विभाग में 5 संविदा कर्मी हैं और कम से कम 20 आदमी फर्जी रूप से बैठा रखे हैं। प्रधानमंत्री को भेजे गए ज्ञापन में मांग की गई है कि गरीबों को राशन बढ़ाया जाए और जिनके राशन कार्ड नहीं है उनके राशन कार्ड घर घर जाकर बनाए जाएं ताकि जनता को परेशानी का सामना ना करना पड़े। ज्ञापन देने वालों में शाकिर अली रायनी, दाऊद अंसारी, शाहिद अंसारी, दुर्योधन जाटव, राकेश पाल, संजय काफिल खान, अजहर खान, रियासत अंसारी आदि लोग मौजूद थे। जिला अध्यक्ष, ये 2 सूत्रीय ज्ञापन जो है तो माननीय प्रधानमंत्री जी को भेजा जा रहा है श्रीमान जिलाधिकारी द्वारा। हाँ, जनता की राशन की घटतौली और दफ्तर में जो है तो दलालों का जवाबड़ा लगा हुआ है और आवंटन किसी और के व्यक्ति के नाम है, उसका संचालन कोई और कर रहा है जो कि नियम विरुद्ध है। इसको लेके पहले भी हमने जनहित में शिकायतें की गई हैं, परंतु कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। हमारा आंदोलन जारी रहेगा, हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो। जिसके गरीबों का राशन जो है तो कम दिया जा रहा है, इसको लेके गरीब जनता काफ़ी परेशान है और गरीब जो है तो बेचारा इसका राशन का ही सहारा है और कोई सहारा नहीं है। इससे जो है तो हमने माननीय प्रधानमंत्री जी से मांग करते हैं राशन प्रणाली बढ़ाई जाए और दलालों का जमावड़ा खत्म किया जाए। और जब से एआरओ ने चार संभाला, इनने अपने दफ्तर को भ्रष्टाचार का अड्डा बना रखा है। एआरओ हम नाम नहीं, हमारी कोई व्यक्तिगत वो नहीं।